दोस्तों नमस्कार, मैं बीएम प्रसाद आप सभी का अपने एसलिपियस वेलनेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज फाइल के माध्यम से हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे देते हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों, इस कंपनी की नाम मैं बताना चाहता हूं, इसको AWPL के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम एसलिपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी को बनाने वाले मिस्टर संजीव कुमार, जो मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं, अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करना चाहता हूं। आज यह कंपनी 9 नवंबर 2014 को स्टार्ट हुई है और इसके बनाने वाले मिस्टर संजीव कुमार वो गुरुजी जो है 15 साल आर्मी में सर्विस किए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इसका मैं प्लॉट नंबर 18 पॉकेटेड ब्लॉक सी और सेक्टर 17 द्वारका न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों इसका हेड ऑफिस। और ये मिस्टर संजीव कुमार हैं जो फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों। ये मिस्टर संजीव कुमार हैं जो 15 साल आर्मी में सर्विस किए हुए हैं दोस्तों। और ये यहाँ पे काम स्टार्ट करने के लिए 9 नवंबर को इन्होंने क्या किया, पहले सरकार से पूरी गाइडलाइंस उन्होंने बनवाया दोस्तों, दिखाना चाहेंगे जो सरकार से लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाया गया है। आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आइए दोस्तों, कुछ हम कंपनी को जो अवार्ड मिले हैं उसके बारे में दिखाना चाहते हैं। तो आज जो देखा जाए दोस्तों, तो कंपनी को ये चेंज ऑफ चैम्पियन अवार्ड्स मिला है, जो अपने प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के माध्यम से ये गिने चुने कुछ सेलिब्रिटियों को मिला गया है। अब हमारे पुलवामा में जो अटैक हुआ था, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं जो हमारे COMD ने उनको 11 लाख उनके परिवार के राहत कोष में उन्होंने दिया है। और आगे भी दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि जब कोरोना काल आया था हमारे भारत में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे संजीव कुमार ने ये 25 लाख का अनुदान अपने भारत में लोगों को बीमारियों से जो जूझ रहे हैं उनके राहत के लिए, और यहाँ पे मिलियन ब्रिलियंस अवार्ड मिला है 2019 में। और आपको यहाँ पे देखिए भारत सौर सिद्धि अवार्ड मिला हुआ है, इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड मिला हुआ है, संकल्प से सिद्धि का अवार्ड मिला हुआ है, एशिया वन इंडियन ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स 2019 का अवार्ड मिला है। इस तरह देखा जाए तो दोस्तों हमारी कंपनी को 8.5 साल हो रहा है, 8.5 साल में कुल 10 अवार्ड कंपनी को मिल चुके हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं। आइए हमारा जो सिस्टम बताता है, आज हम लोग को जो शरीर है दोस्तों देखा जाए तो उसमें 7 तत्व का होना बहुत जरूरी है, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। अगर ये 7 तत्व हमारे शरीर में अनबैलेंस यानी ज़्यादा या कम हो जाए तो हमें कोई न कोई बीमारी घेर लेती है, जैसे मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्र में विकार, तंत्रिका विकार, हृदय रोग, हड्डियों और जोड़ों का विकार, आंखों की समस्या, शरीर में दर्द, याददाश्त में कमी, बाल का झड़ना, इतनी बीमारियां हमें बहुत आसानी से घेर लेती हैं दोस्तों। बात करना चाहेंगे हम अपने शरीर के जो बनाई गए हैं, पहले शरीर की रचना कैसे होती है, परमाणु, कोशिका, ऊतक, अंग, तब एक शरीर जाके बनता है। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे 10 लोग का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में हम चलते हैं तो वहाँ देखते हैं एक आदमी स्वस्थ होता है, 8 आदमी जरूर कोई न कोई छोटी बड़ी बीमारी से परेशान है, और एक आदमी उसमें बोलता है कि मैं सालों साल दवा के भरोसे जिंदा रहता हूँ। यानी देखा जाए दोस्तों 10 में से 1 तो एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, 8 कुछ न कुछ बीमारियों से परेशान है और 1 तो टोटली बीमार है सालों साल से। आइए कुछ संकेत, WHO का संकेत बताता है कि आज हमारी इंडिया में कौन कौन सी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। जैसे इंडिया में देखा जाए, भारत दुनिया की मधुमेह की राजधानी जानी जाती है, भारत दुनिया की कैंसर की राजधानी जानी जाती है, अधिकांश भारतीयों का दिल की बीमारियों के कारण वो मर रहे हैं, कई भारतीयों को पाचन तंत्र में विकार है और 6 में से हर 1 व्यक्ति वह अपने जीवन में कभी न कभी मानसिक विकारों से त्रस्त रहता है। आइए बात करते हैं दोस्तों, जीवन पहले भी था आज भी है। पहले के लोग क्या है देखा जाए तो नॉर्मल घर पे ही डिलीवरी होती थी और वो शुद्ध खाना खाते थे, जो हमारे खेतों में जैविक खादों के माध्यम से उगाया जाता था उसको खाते थे लोग। 70-80 साल अगर बीमारी होती भी थी तो योग, व्यायाम और जड़ी बूटियों का सहारा लेते थे और 100-110 साल जीते थे पहले के लोग। लेकिन आज का माहौल इतना
चेंज हो चुका है दोस्तों, खान पान इतना बिगड़ गया है कि चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ों को खाते हैं और 30 से 40 साल की उम्र में जाते जाते उनके कोई ना कोई बीमारी लग जा रही है। अगर वो बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर देखिएगा उनको पूरी सुई दवाई दे करके उनको इतना समय तक दवा खिलाते हैं कि शरीर पूरा दवाइयों का घर हो जाता है और लास्ट में डॉक्टर भी बोलता है भाई अब दवा से आप नहीं ठीक होगे, अपना ऑपरेशन करा लो। व्यक्ति अपना ऑपरेशन भी करा लेता है लेकिन दवा के सहारे साल दो साल जीवित रहता है, वो भी देखा जाए तो धरती छोड़ देता है। आइए दोस्तों हमारे साथ गलत क्या हुआ उसके बारे में दिखाना चाहेंगे। पहले भी बीमारियां थी जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, इन बीमारियों का आने का कारण मच्छर, चूहा और बैक्टीरिया था दोस्तों। थैंक गॉड्स कहना चाहेंगे कि भगवान के रूप में दूसरा एक डॉक्टर हैं जो इन दवाइयों इन बीमारियों पे वो काबू पा लिए, आज इसका दवा और टीका बना के कंट्रोल कर लिए। लेकिन दोस्तों बताना चाहेंगे जो नई नई बीमारियाँ आज हमारे घर समाज में फैल चुकी हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, इन बीमारियों का होने का क्या कारण है दोस्तों बताना चाहेंगे। जैसे हम लोग जो खान पान खाते हैं दोस्तों, अनाज दाल चावल खाते हैं जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, तो उसको हम लोग खाते थे पूरे शरीर को जितनी विटामिन मिलना चाहिए था यहाँ से मिल जाता है दोस्तों। लेकिन आज जो मैन फूड बोले तो इंसान की बनाई हुई चीज़ों को हम ज़्यादातर पसंद करते हैं जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ खाते तो हैं, शरीर तो भर रहे हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों कहीं कहीं शरीर में हमारे जहर ही जा रहा है जिसके कारण हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। बात करते हैं किसानी खेती का दोस्तों, आज जितनी भी किसानी खेती हो रही है सारे यूरिया, डाई और प्रेशसाइज उसको खेतों में डाल करके उपजाया जा रहा है और सब्जियों में इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा किया जाता है, तो देखा जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं इससे भी हम लोग बीमार होते हैं। खाना पकाने का विधि, पहले क्या था दोस्तों देखेंगे कि चूल्हे और लकड़ियों के सहारा लेकर के खाने को खुले पतीले, कढ़ाई या पतीला का उपयोग किया जाता था, वो खाने में आप स्वाद भी पाते थे और खाने को आधे घंटे एक घंटे में पकता था। लेकिन दोस्तों बताना चाहेंगे कि अब ज़माना बदल गया है, गैस और प्रेशर कुकर का ज़माना आ गया है, जो खाने को लोग बंद करके पका रहे हैं तो देखा जाए आधे घंटे जरूर लगता है लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं रह गया है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर के माध्यम से जो भी खाने पक रहे हैं तो उसमें बलते हैं और हम खाते हैं तो बीमार होते हैं। बात करते हैं अनाज भंडारण का, पहले के समय में दोस्तों आप देखे होंगे कि हम लोग सीजन का इंतज़ार करते थे, लेकिन आज बताना चाहेंगे कि कोई सीजन का हम इंतज़ार नहीं करते हैं। अब बारहों महीने बड़े बड़े मंडियों में आप चले जाएंगे, साग सब्जियां, फल फ्रूट सारे मिलते हैं, तो देखा जाए दोस्तों बिना सीजन के हम चीज़ों को खाते हैं वो विटामिन और प्रोटीन नहीं मिल पाती जो शरीर को नेचुरल तरीके से मिलना चाहिए। किसानी खेती दोस्तों देखिए फोटो के माध्यम से दिखा सकते हैं, पहले के जो खेतीबाड़ी होती थी आज की जो होती कितना अंतर हो गया है। ये भी बंदा मास्क लगाया हाथों में दस्ताना जानता है जो छिड़काव कर रहे हैं ये हमारे शरीर को बहुत ही हानिकारक पहुंचाता है। WHO का सर्वे बताता है कि हर साल 2 से 3 लाख मौतें सिर्फ पेस्टिसाइड की वजह से लोगों की हो जाती है। दोस्तों बताना चाहेंगे पशुओं को जो चारा हम लोग काट के खिलाते हैं तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके दूध हम यूज करते हैं, उसके दूध में कहीं ना कहीं यूरिया डाई आती जिससे हमारे बच्चे या परिवार खाता है तो उससे बीमारियां उनको तरह तरह की पकड़ लेती हैं। बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की दोस्तों, एक गिलास जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें अगर एक गिलास कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो 16 चम्मच चीनी होती है इसमें। डॉक्टर बताते हैं लोग तरह तरह का केमिकल डाला जाता है कुछ चीनी की मात्रा को कम कर देती है दोस्तों। आज इससे होने वाली कम से कम 6 से 7 बीमारियां हैं जैसे हार्ट अटैक, BP, शुगर, मोटापा, दांतों का सड़ना, हड्डियों का कमजोर होना, ये 5 से 6 बीमारी ऑटोमेटिक आपके शरीर में कोल्ड ड्रिंक फैला देती है। आइए बात करते हैं दोस्तों ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर की बात करें, आज जो भी देखा जाए तो आटे और मैदे को सड़ा के ही बनाया जाता है दोस्तों, और देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेड के साथ जो बनाया जा रहा है, घर की रोटी हम अगर खाते हैं तो कम से कम उसको 2 से 4 घंटे में हम ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों जो कंपनियां आज बनाती हैं देखा जाए तो 15-20 दिन कंपनियों में रहता है उसके बाद मार्केट में रहता है, फिर भी हम 1.5 महीने के बाद भी आता है मेरे पास खाने के लिए तो हम उसको बड़े प्यार से खाते हैं।
आज बात करते हैं उसको जो बनाने वाली कंपनियां हैं, शैम्पू हम लोग बालों में यूज जो करते हैं उसको बनाने के लिए जो केमिकल यूज होता है वही केमिकल इस ब्रेड में प्रिजर्व किया जाता है। आइए बात करते हैं केक की। आप भी केक खाए होंगे दोस्तों, मुँह मीठा ही होता होगा। मीठी चीज़ जैसे गुड़ या चीनी अगर ज़मीन पर गिर जाता है तो चींटी मक्खी आसानी से आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों केक को आप खुले जगह में रख दीजिएगा आप हफ्ते भर महीने भर, लेकिन उस पर कोई चींटी मक्खी नहीं आएंगी। क्यों? इसमें चींटी मक्खी मारने वाले केमिकल मिलाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों आइसक्रीम की। आज जितनी भी कंपनियां आइसक्रीम बनाती हैं देखा जाए उसमें तरह तरह के कलर, तरह तरह के फ्लेवर बनाती हैं। तो जो बताना चाहेंगे पुट्टी में केमिकल यूज होता है, पॉलिश में केमिकल जो यूज होता है वही सारे केमिकल इसमें डाल के कंपनियां बनाती हैं। अब दोस्तों थोड़े समय के लिए आप हो सकता है अपने परिवार पे थोड़े ये खान पान से आप अपने परिवार को बचा सकते हैं, लेकिन दोस्तों टॉक्सिन फॉर एनवायरमेंट यानी पर्यावरण जो विषाक्त पदार्थ हो गए हैं उससे अपने परिवार को कैसे बचा पाएंगे। जैसे एयर पॉल्यूशन, आज जो हवा में गाड़ी मोटर के धुएँ, कल कारखानों के धुएँ जो फैले हुए हैं उसको हम सांस लेते हैं तो जरूर कहीं कहीं शरीर के अंदर कोई न कोई बीमारियां हो जाती है, इससे हम नहीं बच सकते हैं। बात करते हैं पानी, आज पानी भी शुद्ध नहीं रह चुका है, लोग आरओ का पानी पीना पसंद करते हैं। बात करते हैं रेडिएशन, जो मोबाइल हम लोग सबको यूज करते हैं उससे फैलने वाली तरह तरह की बीमारियाँ जो हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर देती हैं। बात करते हैं दोस्तों यही सारी बीमारियों का कारण है जैसे हार्ट अटैक का हो जाना। पहले के लोगों को 3 हार्ट अटैक आता था, वो पहले ही में संभल के दवा लेकर ठीक हो जाते थे, लेकिन आज के दिन में किसी को बिना बताए हार्ट अटैक आ जाता है जो रातों रात वो ख़त्म हो जाता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि अरे इनको अचानक हार्ट अटैक आ गया था। बात करते हैं शुगर की। अगर आपके गांव में 100 घर है तो दोस्तों 80 से 90 घर शुगर से परेशान है लोग। गठिया रोग, पहले बोलते थे ये बुढ़ापा की बीमारी है, लेकिन दोस्तों बच्चों में भी हड्डियों का दर्द और टेढ़ापन आप देख सकते हैं। मोटापा, ओबिसिटी जिसको बोलते हैं, ये 10 साल का बच्चा है दोस्तों दिखाना चाहेंगे शरीर से कितना मोटा ताज़ा दिख रहा है, लेकिन ये शरीर सूज गई है, फूल गई है एक बीमारी के कारण। बात करते हैं हाइपरटेंशन, लोग बोलता है जिसके 10 परिवार हों खर्चा चलाने के लिए एक परिवार को टेंशन होना चाहिए कि चलो भाई खर्चा कैसे चलेगा, लेकिन अभी आप बच्चों को मोबाइल दे दीजिए, टीवी का रिमोट दे दीजिए, उनसे मांगिए तो कुछ भी जिद पे आ जाते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल और रिमोट भी तोड़ देते हैं गुस्से में। तो एक टेंशन एक बीमारी है। बात करते हैं कैंसर की, लोग बोलता है तंबाकू, गुटखा, बीड़ी सिगरेट खाने वालों को कैंसर होता होगा, लेकिन कभी आप न्यूज़ में ज़रूर सुने होंगे कि अभी बच्चा 2 दिन का पैदा है, डॉक्टर बताते हैं कि माँ के पेट से ही उसको कैंसर है। तो दोस्तों खान पान से भी कैंसर हो सकता है, यहाँ बीड़ी सिगरेट तो मायने नहीं रखता है। बात करते हैं हड्डियों का कमज़ोर होना, पहले के समय में लोग ऊंचाइयों से कूद जाते थे कोई की हड्डी नहीं टूटती थी, लेकिन आज लोग बाथरूम में अगर साबुन का पानी गिरा हो उससे फिसल गए तो हड्डियां टूट जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम ऊंचाई पे जाने पे भी लोग की हड्डियां टूट जाती हैं। एलर्जी की बात कही जाए तो 50 साल पीछे जाएंगे तो एलर्जी नाम का कोई शब्द नहीं था, लेकिन आज लोगों को तरह तरह के चीज़ों से एलर्जियाँ हैं, दूध, पानी, छाँव, गर्मी, हर चीज़ों से एलर्जी हो जा रही है। बात करते हैं स्टोन प्रॉब्लम, पहले की समस्या क्या थी? कोई नहीं थी, पहले लोग जात पे गेहूं का आटा तैयार करके खाते थे, कोई पथरी नहीं होती थी, आज हम ब्रांडेड आटा खा रहे हैं तो भी हमको पथरियाँ हो जा रही हैं। गायनिकल प्रॉब्लम, लेडीजों का रोग, पहले की महिलाएं जो है दिन भर खेत में काम करें वो एकदम बढ़िया रहती थी, शाम को फिट रहती, सुबह फिर काम के लिए तैयार रहती थी, लेकिन आज की महिलाएं खान पान इतना दूषित हो चुका है कि वो 2 घंटे कहीं भी काम कर लें, खेत में चाहे ऑफिस में, शाम को उनको लगता है कि शरीर में कोई ना कोई समस्या हो गई है। तो दोस्तों खान पान से हो रही है। बात करते हैं लीवर, आज हम आप नहीं कह सकते कि लीवर हमारा बहुत अच्छा है, क्यों? कि पहले के लोग कुछ भी खा लेते थे, दूध पी जाते थे 1 से 2 लीटर और कुछ घी भी खा जाते थे, लेकिन आज लोगों को तो मिल नहीं रहा, अगर मिल गया तो उनको नुकसान कर दे रहा है। तो दोस्तों अब यही सारी समस्या हमारे परिवार में किसी को हो जाए तो हम कहाँ जाते हैं? स्वाभाविक है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको पूरा सीटी स्कैन और पूरा MRI सब करा देते हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे एक GNH का सर्वे है जो गंगाराम अस्पताल के बारे में बताया गया है कि सन 2000 से पहले 77,000 मरीजों पर जो शोध किया गया, जो एंटीबायोटिक दवा वो लोग खाते हैं, तो देखा जाए आज वह दवा महज 25 से 30% काम कर रही, पहले जो कि 70-80% काम कर रही थी। क्यों? कि पहले के लोग
कोई भी सर्दी जुखाम बुखार होता था वो दवा खाते थे तो उनको ठीक हो जाते थे तुरंत, 2 रुपए 10 रुपए की दवा लेते थे ठीक हो जाते थे। आज वही सर्दी जुखाम बुखार उनको महीने दो दो महीने घेरा हुआ है। तो दोस्तों आज समय है अपने सिस्टम को बदलने का। जो अंग्रेजी दवा हम खा रहे हैं आइए होम्योपैथ या आयुर्वेद में, होम्योपैथ में भी इलाज है दोस्तों, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको किसी बीमारी का इलाज साल से 2 साल लग जाता है कराने का। लेकिन आयुर्वेद के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हजारों वर्ष पुरानी ये पद्धति है, सिर्फ हम समय न होने के कारण हम इसको भूल चुके थे। के साथ दोस्तों हमारा हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम फाइल के माध्यम से ख़त्म होता है। अगला पार्ट के लिए हमारे पास जो आपके प्रोडक्ट का नॉलेज है वो दूसरे पार्ट में अवश्य देखिएगा। तो मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ।